नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार की दुर्गा पूजा और नवरात्रि की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रहा है। ऐसे में इस बार मां नवरात्रि पर घोड़े पर सवार आकर घोड़े पर अपना वाहन बनाकर धरती पर आएंगे। दोस्तों, इसके अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। माना जाता है कि घोड़े पर आने से पड़ोसी देशों से युद्ध, सत्ता में उतल पुतल के साथ ही रोग और शोक फैलता है। बता दें कि इस बार माता भैंस पर विदा हो रही है, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। शारदीय नवरात्रि या माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है और हर साल यह पर्व सात पक्ष के खत्म होते शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा अधिक मास के कारण संभव नहीं हो पाया। इसी वजह से दोस्तों, एक महीने की देरी से यह पर्व आया है और माता दुर्गा की इस तरह आराधना कर सकना पर्व आया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा की साधना करने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है और नवरात्रि के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर सुख समृद्धि चाहता है, जो वक्त चाहता है एक खुशी समृद्धि शक्ति ज्ञान प्रदान करता है, नवरात्रि पर आप घर के अंदर इन चीजों को लेकर आइए और फिर देखिए कि आपके जीवन के अंदर कैसे अपने आप कृपा बनने लगती है और माता दुर्गा का सच्चा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यह चीजें जिनके घर के अंदर होती है वहाँ दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं आता है। दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों 17 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की स्थापना होगी, उनकी पूजा अर्चना होगी, घट स्थापना होगी और साथ ही 25 अक्टूबर का लास्ट दिन माँ सिद्धिदात्री पूजा के साथ ही संपन्न होगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों आप इन 9 दिनों की पूजा के दौरान कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो आपके घर के अंदर लेकर माता दुर्गा की सच्चा आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि आपको घर परिवार के अंदर कभी भी कोई दुख ना आए। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आपको इन चीजों को जरूर खरीदना चाहिए और बहुत शुभ बहुत फलदायी माना गया है। बात करते हैं सबसे पहली चीज की। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप चाहे छोटा कर दे या बड़ा खरीदे या कुछ भी खरीदे, लेकिन आपको आपके उस आभूषण जरूर खरीदना चाहिए, वो चाहे सोने का हो या चांदी का। आप एक छोटा सा सिक्का भी खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति आभूषण खरीदता है या स्वर्ण या चांदी की कोई चीज खरीदता है, तो कहा जाता है कि उसका लाख गुना फल उस व्यक्ति को वापस प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे कई गुनी चीजें उसके घर के अंदर हो जाती है। इसी वजह से नवरात्रि के दौरान आभूषण स्वर्ण से चीजें खरीदना बहुत अच्छी माने जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप लंबे समय से कोई घर के अंदर कोई चीज लाने का सोच रहे थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की चीज हो या आपके घर के काम की चीज हो या दोस्तों कुछ भी ऐसी चीज हो जिसको आप लाने का मन बना रहे हैं, आप वाहन भी लेकर आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन सवाद सिद्धि योग होते हैं और साथ ही साथ आप इन दौरान कोई भी चीजें अपने घर के अंदर लेकर आती हैं तो आपको इस चीज के अंदर कोई ज्यादा फायदा मिला है और यह चीज आपके नुकसानदायक नहीं होती और बहुत ही अच्छा शुभ समय हो जाता है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान आप क्या करें, अगर आपके घर के अंदर कोई पुरानी मूर्तियां खंडित हो चुकी है, तब आप क्या करें, उन खंडित मूर्तियों को तुरंत प्रभाव से हटा दें और माता जी के लिए आप नई चीजें लेकर आएं। माता जी की नई चीजें, नई मूर्ति आप अपने घर के अंदर लेकर आ सकते हैं और स्थापित कीजिए, फिर देखिए आपको कितना ज्यादा फायदा प्राप्त होता है। माता दुर्गा की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान आप अगर माता दुर्गा के घर की स्थापना करते हैं, तब आप माटी का कुल्हड़ का जो बना आता है वह पात्र आपको अपने घर के अंदर जरूर के उगाने के लिए सुंदर मिट्टी और वह पात्र जरूर लेकर आना चाहिए। इसके अंदर आपको जवारे उगाने चाहिए। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि 9 दिनों के दौरान जवारे जितनी ज्यादा हरे भरे और लंबे होते हैं, वह आपके आने वाले अगले साल का पूरा आइडिया आपको दे देते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला।
वाला है और जितने ज्यादा हरे भरे और लंबे जवारे होते हैं, समझ लीजिए कि शुभ समृद्धि भी आपके घर के अंदर ऐसे ही बनने वाली है। तो इस मरमंद आपको अपने घर के अंदर जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों इसी तरह माता दुर्गा जो कि हर रूपों के अंदर बहुत सुहागिन है और वह सुहागिनों पर मेहरबानी करती है, सुहागिनों को सच्चा आशीर्वाद देती है, तब आपको नवरात्रि के दौरान या नवरात्रों से पहले ही सुहाग से जुड़ी चीजें आप अपने घर के अंदर जरूर लेकर आ जाएं। और सुहाग से जुड़ा आप अपने बेस जैसे कहा जाता है सूद आप ला सकते हैं। आप वहाँ सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़िया कंगन ला सकते हैं, उनकी सुहाग की चीजें ला सकते हैं, कुमकुम सिंदूर सुंदरी भी आप लेकर आ सकते हैं और इन्हें लेकर आपको नवरात्रि के दौरान माता जी की पूजा के सामने इन्हें रखना चाहिए और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो सुहागिन महिलाओं को ये चीजें आपको दान कर देनी चाहिए ताकि माता दुर्गा का आपको फायदा प्राप्त हो। इससे आपकी वैवाहिक जीवन को उम्र बढ़ती है, वैवाहिक जीवन के अंदर आपको मधुरता देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान आपको कामाख्या सिंदूर जरूर लेकर आना चाहिए। दोस्तों वे बहुत प्रभावशाली कामाख्या सिंदूर माना जाता है। जिसके घर के अंदर कामाख्या सिंदूर होता है, समझ लीजिए कि उस घर की किस्मत बदल जाती है। नवरात्रि के दौरान माता जी की सिंदूर के साथ पूजा करना, सुहागिन महिलाओं का कामाख्या सिंदूर लगाना और साथ ही साथ घर के प्रत्येक सदस्यों का कामाख्या सिंदूर के साथ तिलक करना, समझ लीजिए कि नवरात्रि के दौरान आपके घर के अंदर सकारात्मकता आ जाती है। ये पूरे आने वाले समय के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो साधारण सिंदूर हो तो भी आप लेकर आएं, लेकिन कामाख्या सिंदूर आप नवरात्रि के दौरान अपने घर के अंदर जरूर लेकर आएं और फिर माता लक्ष्मी की आप माता दुर्गा की आपको कृपा देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह पूजा पाठ से जुड़ी जो चीजें होती है, जैसे कि लाल धागा हो गया, हाथ में पहनने का कलावा काला धागा हो गया, पूजा की कोई घंटी खराब हो गई वो हो गया, दीपक हो गया या कोई पूजा पाठ से मंत्रों की किताबें हो गई, उन चीजों को आप नवरात्रि के दौरान अपने घर के अंदर फिर लेकर आइए और देखिए कि पूरे साल भर आपके घर के अंदर कैसे सुख समृद्धि ऐश्वर्य बना रहता है। क्योंकि साथ साथ माता दुर्गा की इन चीजों के साथ आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं और माता दुर्गा के आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। महागौरी को प्रसन्न करना है तो आप महागौरी से चीजें अपने घर के अंदर लेकर आएं, जैसे कि शेर का प्रतीक चिन्ह आप लेकर आएं, माता दुर्गा की पूजा पाठ करने के लिए उसमें शामिल बैठने के लिए आपको आसन जरूर लेकर आना चाहिए ताकि आप उस आसन पर बैठकर माता जी की पूजा कर सके। दोस्तों इसी तरह आपको नवरात्रि के दौरान 9 छोटी कन्याओं को भोजन जरूर कराना चाहिए और उनसे जुड़ी चीजें आपको अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए और 9 दिन माता जी की पूजा करने के बाद अंतिम 9वें दिन आपको इसे किसी छोटी छोटी बालिकाओं को दे देना चाहिए। आप छोटी छोटी बालिकाओं के शिक्षा से जुड़ी चीजें ला सकते हैं, उन्हें देने के लिए खाने पीने की कुछ चीजें लेकर आ सकते हैं और इन चीजों को आप उन कन्याओं को बांटिए, लेकिन पहले आप अपने घर के अंदर लेकर आकर उन चीजों को माता दुर्गा के सामने रखकर आशीर्वाद देना चाहिए, फिर देखिए कि आपके जीवन के अंदर कितनी तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह विशेष चीजें आपको अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए और नवरात्रि के दौरान लेकर आने से आपको इसका कई गुना फल देखने को अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार रहता है या फिर लड़ाई झगड़ा किसी से आपको रहता है तो आप क्या करें, विशेष उपाय कीजिए, आप कपूर की 9 टिकिया लेकर आ जाइए, 9 आपके बाल के पत्ते आपको प्रत्येक हराए ताजा पान का पत्ता लेकर आना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये कपूर उस पान के पत्ते के ऊपर रखें और माता दुर्गा जी की आरती करनी है। आपको प्रतिदिन सुबह और शाम भी कर सकते हैं, जिससे संख्या के अनुसार ज्यादा लेकर आ जाएं, लेकिन सुबह के समय आपको जरूर करनी है। उसके बाद आप उस कपूर और पान को संपूर्ण घर के अंदर आपको घुमाना होगा ताकि माता दुर्गा का सच्चा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता दुर्गा को आपको अखंड कृपा देखने को मिलती है। लेकिन नवरात्रि के दौरान माता जी की कोई भी कपूर की जो माता जी कपूर की आरती बहुत ज्यादा धूम या दुनिया बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आप कपूर की आरती अपने घर के अंदर करते हैं तो इन 9 दिनों के अंदर आप सकारात्मक माहौल बना लेंगे या सकारात्मक आवरण की वजह से आप अपने घर के परिवार के अंदर अपने आप की खुशियां देखने को मिलेगा और माता जी के सच्चा आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान आप क्या करें कि 7 प्रकार के अनाज लेकर आ जाए, जो 7 अलग अलग धान हो,
पाव किलो भी ला सकते हैं, 1 किलो भी ला सकते हैं, 10 किलो भी ला सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 7 धान लेके आए और इस 7 धानों से माता दुर्गा के अपने विशेष करें, उनकी पूजा करें और पूजा के समय वह 7 धान आपको माता जी को चढ़ाना चाहिए। और अंतिम दिन आप क्या करें, किसी गरीब व्यक्ति को जिसे वास्तव में अनाज की जरूरत हो, चाहे वह ब्राह्मण हो या कोई अन्य जाति का, इससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, माता जी की कोई सभी लिए एक भक्त है। आप क्या करें, उस धान को अपने खुद के घर के अंदर नहीं रखना है, इसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। फिर देखिए कि वह 7 धान आपके जीवन के अंदर कैसे आपके भी 7 ग्रहों को आप मजबूत कर देंगे और आपकी राहु केतु की दशा को भी 7 धान घुटा देती है, जिसे जो काला अनाज इसके अंदर जरूर शामिल करें। फिर देखिए कि माता दुर्गा जी की आपके जीवन के अंदर अपने कैसे कृपा प्रदान होती है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आज